15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस अर्थात आजादी। यह एक ऐसा शब्द है जो देश के प्रत्येक नर और नारी के अंदर एक अलग एहसास पैदा कर देता है। इसलिए चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, हर कोई आज के दिन एक अलग उम्मीद और आकांक्षाओं के बीच यह पर्व मना रहा है। पंद्रह अगस्त सन 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। राष्ट्रीय के स्तर पर तो हम आजाद हैं कि दूसरा देश हमें आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन क्या भारत सच में आजाद है? क्या हम सच में स्वयं को आजाद महसूस कर रहे हैं? अगर आपका जवाब ना है तो हमें खुद ही इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि आखिर वो ऐसे कौन से दुश्मन हैं जिनसे आज भी हमें आजादी की दरकार है। पॉलिटिकल आजादी के साथ साथ मनुष्य के मन में जो 5 विकार हैं, देह अभिमान है, काम विकार है, क्रोध विकार है, मोह विकार है, अहंकार विकार है, इन सब विकारों को अगर हम अपने मन से दूर नहीं करेंगे, अगर इन विकारों पर विजयी नहीं होंगे, इन विकारों के वशीभूत रहेंगे, तो हम कभी भी समाज के अंदर पवित्रता की, शांति की कल्पना ही नहीं कर सकते। भारत माँ की इस मिट्टी को अपना बनाने में उन स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है जिन्होंने अपने जीवन और परिवार की परवाह ना करते हुए खुद को बलिदान कर दिया और देश को आजादी दिलाई। हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए एक बापू ही काफी नहीं थे, परंतु बापू की नैतिक हिम्मत, बापू का जुनून, बापू ने अपनी वो हिम्मत, जोश, जुनून और सत्य भान कराया स्वतंत्रता का, और वो जुनून उनके अंदर डाला और जिस जुनून से सभी ने यह युद्ध किया और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आजादी के इतने वर्ष बाद आज हम खुली हवा में सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में पूरा विश्व एक ऐसे अदृश्य दुश्मनों से लड़ रहा है जो दिखाई तो नहीं देता, परंतु मनुष्य के सामाजिक ताने बाने को खोखला कर रहा है। सुख के संसाधनों रूपी पहाड़ पर खड़े भारत का हर नागरिक आज तिरंगे को सलामी दे रहा है और शहीदों को तो याद कर रहा है, लेकिन उसे देश के अंदर ही नकारात्मक और आसुरी प्रवृत्तियां लगातार आतंकित कर रही हैं। जबकि देश के शहीदों और खासकर बापू महात्मा गांधी का तो यह सपना था कि भारत देश राम राज्य बने, हर कोई सुखी हो, बेफिक्र हो, लेकिन आज हम इससे दूर होते जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक सपने की तरह हो गया है। जब तक 5 विकारों की गुलामी से हमने स्वयं को मुक्त नहीं किया है, हमारे साथियों को मुक्त नहीं कराया है, समाज को मुक्त नहीं कराया है, देश को मुक्त नहीं कराया है, अन्य देशों में जो भाई बहन हैं उनको मुक्त नहीं कराया है, तो हम सच्ची आजादी का आनंद नहीं ले सकते। आजादी तो हम मनाएं, लेकिन ऐसे मकसद के साथ जिससे ऐसे देश का निर्माण हो जहां इन अदृश्य दुश्मनों का नामो निशान ना हो, पूरा देश व विश्व राम राज्य की ओर बढ़ चले। इसके लिए पिताओं के पिता परमात्मा शिव के बताए मार्ग पर चलकर स्वयं के साथ दूसरों को भी श्रेष्ठता के लिए प्रेरित करें। सम्मान भाव, सद्भावना और शांति का साम्राज्य हो। हर नर नारायण और प्रत्येक नारी लक्ष्मी जैसी बनने का ख्वाब देखें। यह सब संभव हो सकता है। जरूरत है योग, राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान से
जीवन में मानवीय मूल्यों को उतार कर आसुरियता को समाप्त करने की। यही एक मार्ग है जिससे हम संपूर्ण रूप से आजाद होंगे। यही बापू का भी सपना था और परमात्मा शिव का भी। इन्हीं अर्थों के साथ स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का पर्व मनाएं।